सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाए। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के YouTube चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत करें दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज की। 31 अगस्त 2018 की हम न्यूज अपडेट देख लेते हैं भैया, बाजार में क्या क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। साथ में देखेंगे निफ्टी का इंट्राडे के ऊपर टेक्निकल व्यू, क्या टेक्निकल रह सकते हैं अगले ट्रेडिंग डे के ऊपर। चलिए शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों पहली अपडेट से। पहली अपडेट है लुपिन से भैया। लुपिन को USFDA ने क्लोराइड ओरल सॉल्यूशन के लिए मंजूरी दे दी है। ये जो दोस्तों दवाई है, ये मिनरल सप्लीमेंट है जो हमारे ब्लड में पोटेशियम की कम मात्रा का इलाज करता है। और इस खबर से भी लुपिन में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और आज के दिन ही लुपिन जो है 4.24% की बढ़त के साथ दोस्तों बंद हुआ। तो एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है लुपिन के लिए। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से भैया। इनको टेंडर मिला है महाराष्ट्र में, राज्य सड़क विकास निगम से इनको टेंडर मिला है। ये टेंडर है 1698 करोड़ का, यानी 1698 करोड़। और जिसके तहत कंपनी को एक्सेस कंट्रोल नागपुर बम्बई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस बनाना है। और ये कार्य उन्हें 30 महीनों के अंदर पूरा करना होगा। इसका वजह से शेयर में हल्की से बढ़त देखने को जरूर मिली। एक बहुत बड़ा बुल रन नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव न्यूज जरूर है और शेयर जो है 0.5% की बढ़त के साथ दोस्तों बंद हो गया। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है DHFL से भैया। DHFL को जरूरत है 2000 करोड़ रुपए की, जिसका जुटाने की कोशिश में लग गया है। ये दोस्तों जो जुटाएगा ये NCD डिबेंचर, यानी गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए जुटाएगा। और जो शेयर है वो आज के दिन 0.2% की बढ़ोतरी के साथ दोस्तों बंद हुआ। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है DHFL। चलिए अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है भैया ट्रंप साहब के ऊपर। भैया ट्रंप साहब ने भैया एक और नया बयान दे दिया है कि भैया अगले सप्ताह चीन के ऊपर और अधिक शुल्क लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा अमेरिका बाजार है वो बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ बंद हुआ। और देखा जा रहा है भाई पूरे एशिया बाजार में और पूरे वर्ल्ड के बाजार में इसका जरूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ गिनी चुनी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब देख लेते हैं निफ्टी का इंट्राडे के ऊपर टेक्निकल व्यू क्या है। ये चार्ट हमारा ओपन हो रहा है, जस्ट ए मिनट, ये दोस्तों ओपन हो गया है। अच्छा, ये दो लक्ष्मण रेखा है हमने पिछली वीडियो में लगाई थी। पिछली वीडियो में हमने प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी थी कि बाजार जिस भी तरफ जाने की कोशिश करेगा वहां जाने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आज हुआ ये कि मार्केट की ओपनिंग अच्छी हुई, ओपनिंग के बाद मार्केट ने इसको तोड़ा। तो एज ए डेमो ट्रेडिंग अगर आप इसको यहाँ पर परचेज करते, यहाँ पर आप लेते, तो वापस मार्केट नीचे चला गया। अब आपको पता है कि नीचे वाली लाइन आपकी स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस को मार्केट ने नहीं ट्रिगर करा और मार्केट जहां हमने लाइन लगाई थी उसी लाइन से मार्केट रिवर्स कर गया। तो ये पावर है टेक्निकल एनालिसिस की कि हम इस तरीके से प्रेडिक्शन कर पाते हैं। तो जरा देखिए बड़ा कमाल का, यहीं तक ही गिरा और यहीं पर इसी पॉइंट के पास जाकर के मार्केट ने रिवर्स करा और जाकर के ऊपर वाली लाइन के पास में जाके क्लोज दिया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो लॉस था वो बहुत ही मिनिमाइज लॉस था। डेमो ट्रेडिंग के लिए कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था, 5 या 10 पॉइंट का ही लॉस होता। चलिए वो कोई बात नहीं, अब देख रहे हैं अगले दिन क्या रह सकता है। तो अगले दिन की जो दोस्तों पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरीके से बनेगी। अगले दिन की दोस्तों ये जो यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो अगर इसको तोड़ता है तो ऊपर जा सकता है, और ये वाला जो लेवल है अगर इसको तोड़ता है तो नीचे जा सकता है। तो ये जो ऊपर और नीचे का लेवल बना है वो जरा देख लेते हैं। ऊपर वाली लाइन बनी है 11,690 पर और नीचे वाली लाइन बनी है 11,659 पर। तो जिस भी तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा उस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉसेस अपोजिट साइड बन जाएंगे, जो आप सभी जानते ही है। तो वॉच करिए भैया नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हो सकता है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलता हूँ कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।